इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सारी दुनिया में लोग है, जरूरत की कि इनके सामने कोई इस्लामी आवाज उठे, मुसलमानों का कोई कोई शख्स, कोई शख्सियत, कोई सवाल उठे जो आज के मीडिया में उनको जवाब दे। इसमें कोई शक नहीं, हमारे असलाम जो हैं, खासकर इस दौर में आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे आंखों के नूर है। उन्होंने जो काम किया है लासानी है, बेमिसाल है, कोई उनका सानी नहीं अपने काम में। और उनके असलाम मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह जैसे उनके जितने शागिर्द हैं, उनका काम लासानी है। लेकिन इस दौर में भी जरूरत थी कि उनके मिशन को आगे ले जाया जाए। तो इस मिशन को आगे ले जाने के लिए अल्लाह ताला ने एक अता, एक नियामत अता कर दी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अता है उम्मत में, हजरत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, उनकी बात, उनका पैगाम मैं आपके पास लेने आया हूँ। मैं कुछ नहीं, उनका एक अदरा खादिम हूँ। उन्होंने इशारा कर दिया कि कश्मीर में जाकर काम करो, बस इतनी मेरी हैसियत है और कुछ नहीं, और कोई हैसियत नहीं मेरी। ये पैगाम आपके पास लाता हूँ, और किताबें साथ लाई हैं, DVD CD साथ लाए हैं हम, चलो घर में ले जाओ, पढ़ो, ऐसे तकारीर सुनो। जैसे अभी हमारे साहब कोई फारूक साहब, हमारे मोहतरम अभी इमाम आजम साहब की बात कर रहे थे, बहुत जोर लगाकर बहुत मेहनत करनी पड़ी, और इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह पर जितनी किताबें, जितनी ताकीद हजरत ने आज फरमाई और आम कर दी है, आपको किताब उठकर घर ले जाना है, आपको CD DVD उठाकर घर ले जाना है, और इस मैदान में आ जाओ, हजरत को सुनो और उनके पैगाम को आम करो, आप खुद कोशिश करो, हम कोशिश कर रहे हैं, सब लग जाओ। ये फिरका, हम जितने अहले सुन्नत लोग हैं सब एक हैं, यहाँ हमारे अंदर कोई फिरका बंदी नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक है। ये जरूरी है कि यहाँ कोई तंजीम नाम के काम करती है, कश्मीर में कोई तंजीम नाम के काम करती है, कोई किसी नाम से काम करती है, जम्मू में किसी नाम से काम करती है, लेकिन हम सब एक हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम जो वो संतरा हमारे पास होता है, उसके तो अंदर वो छलका बाहर एक होता है, अंदर वो जो उसके गिरियाँ होती है अलग अलग होती हैं। इसके बरकस वो हम कश्मीर में उसको होते हैं, वो आप क्या कहते हैं, वो लकड़ी होते हैं, वो कहते हैं वो तरबूजा, क्या तरबूजा बोलते हैं आप, हाँ तरबूजा जो होते हैं वहाँ बाहर लकड़ियाँ होते हैं, अलग अलग होता है, अंदर एक होता है। ऐसे अहले सुन्नत वल जमात लोग एक हैं, किसी फिरके में अपना आप लोग जो इसके सब वाबस्ता नहीं है, उलमा तो खबर, उलमा को खबर है, लेकिन आपको खबर नहीं होगी, तो आप ये ना समझे कि ये जो दूसरी बात कर रहा है, ये अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं, ये दूसरी बात कर रहे हैं, नहीं, हम सब एक हैं। सिर्फ काम करने का ढंग अलग अलग होता है, ज़रूरत है हर तहरीक को आगे ले जाया जाए, हम एक हैं, लिहाजा आ जाएँ इसमें सब। बस मेरा ये कहना था, इसलिए खड़ा कश्मीर से आया हूँ यहाँ, सिर्फ इस प्रोग्राम में शिरकत कर लिया आपके पास, सिर्फ ये पैगाम पहुँचाने के लिए। बाकी जो उलमा किराम ने तकरीर की है, मेरा दिल बहुत खुश हुआ, ये पैगाम मैं अपने कश्मीर ले जाऊँगा कि पुनिश में हम सोचते हैं कि पुनिश एक जंगली इलाका है, पहाड़ी कश्मीर में सोचते हैं पहाड़ी इलाका है, यहाँ तो इल्म की बहार है, ये बहार, ये आवाज़ लेकर मैं अपने कश्मीर जाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के हम दस बदुआ हैं, रब्बे करीम हम सबको कबूल फरमाए, हमारे खुशी को कबूल फरमाए, हम सब की नेक मुरादें जितने भी हम सब हासिल हो जाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहम्मद वाला अली वसल्लम।